कुलभूषण भाई जी, मतलब बच्चों ने जो संक्षिप्त में आपके कार्य के बारे में मतलब थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा की और उन्होंने अपने बारे में बताया, तो हम लोग अभी इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। तो आदित्य मेरे ख्याल से पहले पहला सवाल पूछेंगे और फिर मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। नमस्ते फूलभूषण भाई जी, मेरा पहला क्वेश्चन है, हम सब लोग, we're all born and brought up in the United States and we live very privileged lives. It's very different than what you grew up with. Can you please tell us a little bit about your childhood and the challenges that you faced? तो फुलभूषण भाई जी, आदित्य जानना चाहता है कि वो सब लोग, मतलब ये अभी जो स्क्रीन पे है, सभी लोग अमेरिका में पैदा हुए हैं और पले बड़े हैं, तो उन्हें बहुत कुछ मिल जाता है, विशेष अधिकार मिलते हैं, लेकिन आपकी परवरिश काफ़ी अलग हुई है, जो कि हम जानते हैं कि भारत में देहात में बहुत अलग से परवरिश होती है। तो क्या हम आपके बारे में और आपके बचपन के बारे में संक्षिप्त में जान सकते हैं, और आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो ये हम लोग जानना चाहेंगे। पहले बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का, हमारे भारत के जो विदेश में जाके पढ़ रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। और कहते हैं ना, मन में ढेर इच्छा शक्ति, लगन और स्वयं में विश्वास हो जाए, और सबसे बड़ा हमारा जो डर है उस डर को हथियार बना दिया जाए, डर को तलवार बना दिया जाए, वो डर जो समाज के से पीड़ित एक गरीबी, एक अज्ञानता और अशिक्षा का डर है एक महिला का, क्योंकि महिला है घर से बाहर निकलने में बहुत डरती है, और एक गांव की महिला, ये डर को हथियार बना दिया जाए तो बड़ा से बड़ा काम किया जा सकता है। मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं एक राजनांदगांव जिला पूरे छत्तीसगढ़ में हजारों लाखों महिलाओं का एक संगठन बना सकती हूँ, एक मधुमक्खी की छाता की तरह उनको एकजुट में बांध सकती हूँ। लेकिन मैं पहले एक गरीबी को देखी, बचपन से 7 साल की उम्र से घर में 2 दिन 3 दिन भूखा रहना पड़ता था, एक छोटे से झोपड़ी में। उस झोपड़ी में मेरी माँ पिताजी चाय बेचते थे और मैं चाय का कप बसी उठाती थी, जूठा बर्तन उठाती थी। हम लोग इतना गरीब थे कि हमारे 5 बहन 2 भाई थे। पढ़ने का इच्छा होता था क्योंकि वहां जो ट्रैवल कंडक्टर आते थे, वहां के सर लोग आते थे, स्कूल बिल्कुल बाजू में लगा रहता था, तो मेरा भी मन लगता था कि तो मैं दूसरे लोग को ड्रावल को पैसा देखती थी, उनके जेब में पेन देखती थी, और जो टीचर लोग आते थे उनके जेब में मैं पेन देखती थी, तो मेरा भी मन लगता था कि मैं पढ़ू लिखू। और कम से कम 2 3 दिन भूखे रहना पड़ता था, बहनें बहनों को रोते हुए देखती थी, माँ बाप को रोते हुए देखती थी कोना में बैठ बैठ के, तो मेरा मन लगा कि मैं पढ़ू लिखू। लेकिन गरीबी एक ऐसी चीज है जिनका कोई माँ बाप नहीं होता, तो मैं रोती रोती रहती थी, लोग उनको समझाती थी, और मन था कि मैं पढ़ू लिखू, और वैसे दौड़ते हुए स्कूल जाती थी। सिर्फ 7 साल की उम्र में साड़ी का 2 टुकड़ा करके मेरे माँ बाप पहनाते थे, मेरे पास कपड़ा भी नहीं था, पहनने को चप्पल भी नहीं था, खाने को 2 वक्त का रोटी भी नहीं देता था, ना रहने का घर नहीं था, तो झोपड़ी में ही रहते थे। तो मैं दौड़ते हुए स्कूल जाती थी कि सर मेरे को पढ़ा दो ना। सर बोलते थे कि पहले तो कपड़ा पहन के आ, पुस्तक लेके आ, और भर्ती होना पड़ेगा, अपने माँ बाप को बुला के ला। तो ये सब चीज बार बार स्कूल में आती थी, स्कूल में डांट पड़ता था, वहां जब बच्चे लोग पढ़ते थे चिल्ला चिल्ला के, पहाड़ा पढ़ते थे, उन लोग लिखते थे, बस्तर लगा के जाते थे, बढ़िया ड्रेस में जाते थे, जूता मोजा पहन के जाते थे, तो मेरा मन एक व्याकुल होता था कि मेरे को भी कोई तो पढ़ा दे, 2 अक्षर में पढ़ लूं। लेकिन माँ बाप गरीबी के कारण नहीं पढ़ा पा रहे थे। स्कूल के पीछे में बैठ के मैं पन्ना को ऐसी कहीं पेपर पढ़ा रहता था, उसको पुस्तक बना ली, एक बुक बना ली, अब उसको मैं पढ़ने का कोशिश कर रही थी कि स्कूल के पीछे में ही बैठे बैठे स्कूल में बच्चे लोग चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे, उसको अभ्यास करती थी कि कुछ तो मेरे को आ जाए, मैं पढ़ लिख सकूं। लेकिन कहते हैं ना कि काले अक्षर भैंस बराबर, बिना गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। शायद मेरे लिए पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल था। ऐसी जुलाई का महीना था, पानी गिर रहा था, बच्चे लोग बहुत कीचड़ में खेल रहे थे, और नया ड्रेस, नया बस्तर, नया जूता मोजा पहन के मेरा मन बहुत व्याकुल हुआ। मैं अपने पिताजी को रोते हुए आई और कहती हूँ कि मेरे पढ़ना है,
मैं भी स्कूल जाऊंगी, मेरे को पढ़ा दो। मेरे माँ बोल, मेरे पिताजी बोलते हैं कि बेटी हम गरीब है, दो वक्त के रोटी नहीं खिला सकते बेटा, तो तेरे कहाँ पढ़ाएंगे, तू पढ़ने का नाम मत ले। मेरी माँ के पास दौड़ते हुए रोते हुए बैठती हूँ उसकी गोदी में, अब बोलती हूँ कि माँ मेरे को पढ़ना है, मेरे को स्कूल जाना है। मेरी माँ बोलती है कि तू बेटी है, पढ़ के क्या करेगी, चूल्हा फूकेगी, ससुराल जाना है, गैया बकरी चराएगी, बेटा हम लोग गरीब है, नहीं पढ़ा सकते, और तू दूसरे घर की धन है। मेरे क्रेन की तरह लगा कि आज मेरे माँ बाप मेरे को ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि तू बेटी है, तू कुछ नहीं कर सकती। मेरे पिताजी बोलते हैं हम गरीब हैं, तो गरीब क्यों होता है, गरीब का एक दूसरा क्यों उनका सहयोग नहीं करते। तो ये मेरा मन में इतना क्रेन की तरह लगा। दूसरे ट्रैवल कंडक्टर मेरे को सिर्फ पांचवी कक्षा पढ़ा है, और पढ़ते हुए ही मेरा 10 साल में शादी हो गया। एक अबोध बालक, खेलने कूदने का समय था, लेकिन माँ बाप सिर्फ गरीबी के कारण मेरा शादी 10 साल में कर दिए, और 13 साल की उम्र में मेरे को ससुराल भेज दिए। मेरे को पता नहीं था कि ससुराल का मतलब क्या होता है, मैं तो एक अबोध बालिका थी, मैं कभी नहीं जानती थी कि उसके घर जाऊंगी वहां मेरे को क्या मिलेगा, और मेरे भेज दिए गरीबी के कारण। और जब मैं ससुराल आई तो मेरे पास घर नहीं था, खाने का दो वक्त रोटी नहीं था, खाना बनाने का एक बर्तन नहीं था, मिट्टी के बर्तन में खाते थे, पीते थे, खाना बनाते थे, एक चावल का दाना नहीं रहता था, पैर में ना चप्पल था, ना एक साड़ी पहन के मेरे माँ बाप मेरे भेज दिए कि कम से कम तू जाएगी तो दो वक्त की रोटी तो खाएगी। और मैं एक 13 साल की बालिका जब ससुराल आई तो 20 साल तक गैया बकरी चराते गई, पूरे गांव का नौकर काम करती थी, मजदूरी करती थी, और उस मजदूरी में मैं गांव में एक घर में मिल साल के बीच में मेरे दो बेटी और दो बेटा जन्म ले लिए। मैं 14-15 साल में मां बन गई। मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्थिति खराब था कि मैं क्या करूं, दो बेटी और दो बेटा को पालने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, ना घर, ना खाने का दो दाना, और मैं गैया बकरी चरा के आती थी। मेरा छोटा बेटा था 1.5 साल का, और बड़ी बेटी थी 7.5 साल की, और बीच के और बच्चे थे। चारों बच्चे को मैं 6 बजे गैया चरा के आती थी, 6 बजे अपने घर के सामने में, तो बच्चे खड़े नहीं हो पाते थे भूख के कारण, 2-3 दिन बच्चे लोग भूखे रहते थे, मैं तो 7-8 साल में भूखे रहती थी। मेरा बेटा छोटा था, 1.5 साल का था, खिला नहीं पाती थी उसको गोद में लेके मैं दौड़ते हुए गांव में घूमती थी कि कम से कम कोई चावल तो दे दे, एक कटोरा लेके गांव-गांव में घूमती थी कि कम से कम चावल तो दे दो, मेरे बच्चे लोग भूखे हैं, चावल नहीं है तो चावल का मार दे दो। लेकिन गांव में हंसी उड़ाते थे, मजाक करते थे, भिखारी बोलते थे कि देखो हमारे गांव की भिखारी आ रही है। जिस गली में जाती थी उस गली में दरवाजा बंद हो जाता था। 10 बजे रात तक घूमते रहती थी, लेकिन किसी को दया नहीं आता। कहते हैं ना, सबका माँ बाप होता है, गरीब का कोई माँ बाप नहीं होता। जिसके घर में धन है, दौलत है, उसके पास हर कोई इंसान उनको मानेंगे, लेकिन जिसके घर में खाने का दाना नहीं है, उनको बुला के बैठाने वाला भी कोई नहीं है। तो वो स्थिति में मैं कई दिन तक मैं अपने बच्चे को तड़पते हुए इस दुनिया में देखती हूँ। एक दिन ऐसे हुआ कि मैं अपने बच्चे लोग को, मई का महीना था, मेरे को लगा मैं बच्चे लोग चिल्ला चिल्ला के रोने लगे कि मेरे को, हम लोग को मरना नहीं है, हम जीना चाहते हैं। उस समय एक माँ का ममता जागा। एक माँ अपने बच्चे लोग के लिए कई हड्डी के टूटे दर्द को सह के जन्म देती है, हर उम्मीद को मार देती है अपने बच्चे लोग को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए, और अपना वो जितना भी सपना है उसको खत्म कर देती है अपने बच्चे लोग के लिए। मैं भी वो माँ हूँ। अब मेरा भी मन जागा कि मेरे बच्चे लोग आज गरीबी के कारण, भूखमरी के कारण तड़प रहे हैं, उनको मरना नहीं है। शायद मेरे जैसे कई गरीब माँ बाप होंगे, कई ऐसे ही माँ होगी, गरीब होंगे, उन लोग के भी बच्चे ऐसे ही रोते होंगे। और उस दिन मेरा एक ममता जागा और मेरे को लगा कि आज के बाद मैं मरूंगी नहीं, मैं अपने बच्चे लोग को नहीं मारूंगी। आज जो बच्चे भूखे हैं, जो माँ गरीब है, उनको मैं उठाऊंगी। मई 3 मई का बात है, बच्चे लोग को लेके आ गई घर, और 11 महिलाओं को लेके 2 रुपए पैसा और 2 मुट्ठी चावल से
एक महिला संगठन जुड़ी। उस महिला संगठन में 11 महिलाओं को जब जोड़ी तो पूरे गांव विरोध करने लगे, परिवार विरोध करने लगे, गांव में पानी नहीं भरने देते थे, सामान नहीं देते थे, यहाँ तक कि हम नौकर आदमी हैं गैया चराते थे, गैया चराना भी बंद करा दिए, कोई बात नहीं करते थे गांव में, बैठक करते थे कि ये पुरुष प्रधान समाज है, महिलाओं को आगे आने का हिम्मत बिल्कुल मत दिखाइए, आप महिला आगे आओगे बैठक करोगे तो आपको गांव से निकाल दिया जाएगा। तो गांव में सभी लोग अत्याचार करने लगे, लेकिन मैं क्या करती, उस समय मेरा मन लगा कि नहीं, संघर्ष करता है उसी को मंजिल मिलता है जिंदगी में, जो इंसान कुछ करेगा उन्हीं का एक बदनामी होता है, कुछ कोई बात नहीं है, पूरे समाज अज्ञानता है, मेरे को आगे बढ़ना ही है। और ये सोच के 11 महिलाएं जो 2 मुट्ठी चावल 2 रुपए पैसे से शुरू की, जो एक माला चार है, जैसे एक कुत्ता को लकड़ी उठा के मारोगे तो कुत्ता डर जाएगा, बिल्ली को मारते हैं तो बिल्ली भी डर के भग जाएगी क्योंकि वो अकेली है, लेकिन मधुमक्खी के छाता में कोई हम पत्थर उठा के मारेंगे तो शायद मधुमक्खी हमारा वो हल करेगा, वही संगठन है। एक झाड़ू को, झाड़ू बंधा है तो हम कचरा को साफ कर सकते हैं, लेकिन झाड़ू खुल जाएगा तो खुद कचरा बन सकता है। शायद समाज में संगठन का बहुत जरूरी है, एकता का बहुत जरूरी है। इसलिए मैं, मेरे को लगा कि कौन क्या बोल रहा है उसमें मैं ध्यान नहीं देती थी, मेरा करना क्या है अपने महिलाओं के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए। तो सबसे पहले एक पूरे विरोध करने लगे, गाली देने पर गाली देते थे, जैसे पत्नी को गाली मिलता है पति से, वैसे कई प्रकार का गाली मेरे को देते थे, चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे, कहीं जाती थी तो एक नमक और नमक मिर्च भी नहीं देते थे कि ये गांव को बिगाड़ रही है, ये गांव के महिलाओं को क्यों उठा रही है, ये काम पुरुषों का है, पुरुषों लोग करते हैं, महिला होके घर से बाहर निकल के ये काम करती है। विरोध बहुत हुआ, बहुत रोना आता था, हंसते थे तो हम 11 महिलाएं, रोते थे तो 11 महिलाएं, लेकिन हम एक लकड़ी की गट्ठा की तरह मजबूत बन गए थे, क्योंकि एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है लेकिन 15-20 लकड़ी को गट्ठा बांध दिया जाए तो किसी में ताकत नहीं है तोड़ सके। और फिर शुरू हुआ मेरा काम, सबसे पहले सफाई अभियान, रक्तदान करना, पुरुष तो डरते हैं रक्तदान करना, हम 11 महिलाएं हम लोग रक्तदान किए, कुपोषण दूर करने के लिए पल्स पोलियो में भाग लिए, मध्यान्ह भोजन बच्चों को बाल भोज खिलाया क्योंकि कुपोषण बहुत ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में है, बच्चे लोग इतना स्थिति खराब है कि एक माँ खिला नहीं पाती थी, तो उस कुपोषण को दूर करने के लिए हम लोग माचिस के डिब्बी में हम लोग चावल इकट्ठा करके उस चावल से हम लोग शुरू किए बाल भोज, और गांव का साफ सफाई, वृक्षारोपण करना, पानी बहुत कम था, बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, 3 किलोमीटर से पानी लाते थे तो उस पानी लाने के कारण बहुत समय हो जाता था, तो हम लोग सोक पीट बनाए, सोखता गड्ढा बनाए, जिसमें जिस बोर में पानी नहीं आता था उसमें पानी आने लगा, स्कूल में बच्चे लोग को पढ़ाना, उन लोग को बाल भोज शुरू करना, तो गांव वाले लोग धीरे धीरे हम लोग के साथ सहयोग करने लगे, बोले कि अरे ये पुरुष हम लोग नहीं कर पा रहे लेकिन ये 11 महिलाएं कैसे करती है, तो उनका थोड़ा सपोर्ट मिला। और धीरे धीरे फिर 15 अगस्त 26 जनवरी में झंडा फहराने का मौका हमको मिला, हमारे लिए बहुत बड़ी बात था क्योंकि अपने देश का झंडा हम अपने हाथ से फहरा रहे हैं, पढ़े तो नहीं है, लिखना पढ़ना नहीं आता लेकिन जिंदगी जीना है, समाज में परिवर्तन कैसे करना चाहिए वो माँ ही सकती है, क्योंकि राम जैसे बेटा तो माँ ही पैदा की है, कृष्ण जैसे बेटा माँ ही पैदा की है, बाबा साहेब जैसे बेटा तो माँ ही पैदा की है, भगवान बुद्ध को भी माँ जन्म दिया है, तो माँ का सोच बदलना चाहिए, उनका एक संस्कार माँ है जो सबको दे सकती है, जैसे हमारे भारत माँ है, छत्तीसगढ़ महतारी है, वैसे ही हम माँ के बेटे हैं, माँ में वो जज्बा है तो औलाद में भी जज्बा होती है, मैं छत्तीसगढ़ की बेटी होने के नाते, भारत की बेटी होने के नाते मैं अपना कर्तव्य में इतना बैठ चुकी थी, मेरे लिए कोई भी गाली दे, कोई भी मारे, कोई भी कुछ बोले, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता था, मेरा यही था कि मैं अपने समाज को बदल के रहूंगी, मेरा सोच था कि मैं आज के बाद रोऊंगी नहीं, आंसू नहीं बहाऊंगी, मेरा जिंदगी समाज में सुधारने के लिए होगा। और शुरू होते हुए आज 2 लाख महिलाओं का एक बहुत बड़ा संगठन बना, और उसमें जो 2 रुपए पैसा जमा करते थे वो आज
40 करोड़ बचत राशि है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है 40 करोड़ रुपया, जो हम 100 रुपया भी हम गिन नहीं पाते थे, 40 करोड़ रुपया जमा किए, जिसमें 2,00,000 महिलाएं और 14,000 महिला स्व सहायता समूह बना। हमारा काम जैसे हम रक्तदान, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार और नशा मुक्त समाज के लिए हम लोग आगे आए, धीरे धीरे जुड़ते गए। मेरे पास चप्पल नहीं था, पैर में फोड़ा आ जाता था, मेरे पास साड़ी नहीं था, साड़ी को सील के पहनती थी, 50 जगह साड़ी फटा रहता था। जब मैं घूमने जाती थी देरी हो जाता था, तो घर में भी मेरे को बाहर रहना पड़ता था, मार पड़ता था पति से, क्योंकि घर में खाने का एक दाना नहीं था और मैं संगठन बनाने में भिड़ गई थी, क्योंकि जिंदगी में हर इंसान को जुनून होना चाहिए, नशा होना चाहिए। इंसान कई प्रकार का नशा तो करते हैं, लेकिन जो इंसान को समाज के प्रति सेवा, मानव सेवा और समाज सेवा में समर्पित हो जाए, उसको ना वोट से मतलब है ना नोट से मतलब है। वोट नोट से मैं बहुत दूर बन गई और धीरे धीरे समाज में परिवर्तन होता गया। शिक्षा जो महिलाओं बच्चियों को पढ़ाती नहीं थे, तो मैं स्वयं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन जो पढ़ी लिखी महिलाओं को बैठ के गांव-गांव में शिक्षा का एक अलग जगाई, गांव-गांव में साक्षरता खोल के महिलाओं को पढ़ना सिखाई, क्योंकि बच्चे बेटे तो पढ़ेंगे एक कुल को तारती है, लेकिन बेटियां पढ़ेंगी तो दो कुल को तारने वाली बेटियां होती है। बेटी तो हमारी शान है, हमारी देश की शान है, बेटियों को जितना पढ़ना है उनको पढ़ाना चाहिए, ये मेरा सोच लगा हो, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं पढ़ूं लिखूं, लेकिन गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाई। और शिक्षा के बाद स्वास्थ्य में गांव-गांव में टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, बहुत सारा काम हम लोग शुरू किए। महिलाओं का जो कुपोषण था, बच्चियों का कुपोषण था, बच्चों छोटी बच्चियों का 0 से लेकर 5 साल के बच्चे को टीकाकरण कराना था, जिनका रक्तदान करना है तो गांव-गांव में हम लोग रक्तदान करते थे, और धीरे धीरे स्वास्थ्य में हमारा अच्छा होता गया। तीसरा था कि हम रोजगार से जुड़े, नौकरी करने वाला नौकर ही कहलाएगा, चाहे कलेक्टर हो, चाहे SP हो, कोई भी हो, लेकिन जो इंसान नौकरी से भी बड़ा, सबसे बड़ा चीज है वो रोजगार। रोजगार ऐसी चीज है, हम खुद आगे बढ़ेंगे और हमारे देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं। 100 या 1,000 आदमी को हम लोग पाल सकते हैं, इतना बड़ा ताकत रोजगार में हो सकता है, इसलिए रोजगार को मैं ध्यान दी। आज मेरे पास बड़ा बड़ा सोसाइटी है, उस सोसाइटी में लगभग 25 से 30 महिलाएं, 100 महिलाएं जुड़ी हैं, ऑर्गेनिक खेती करती हैं, जिमीकंद का खेती करती हैं, और उन लोग साग सब्जी, ऑर्गेनिक साग सब्जी, चावल दाल लगाती हैं, अगरबत्ती बनाती हैं, जो भगवान में चढ़ा हुआ फूल है उस फूल को हम लोग इकट्ठा करते हैं, क्योंकि तालाब में प्रदूषण होता था, उस तालाब के फूल को ना फेंक के हम लोग उसमें पाउडर बना के हम लोग अगरबत्ती का काम शुरू किए, डेयरी में काम किए। हमारे यहाँ 25 ऐसे गांव हैं जहाँ लगभग 10 से 12 हजार दूध हमारी महिलाएं निकालती हैं। हम लोग सरकार की मदद से नहीं जुड़े हैं, बहुत दूर है, हम लोग सरकार से कोई मदद नहीं लिए हैं, अपने ही बदौलत बैंक से लिंकेज करा के महिलाएं को रोजगार दी है। सोसाइटी है और APO है, कंपनी है, जिसमें महिलाएं चाहे सीताफल का आइसक्रीम बनना हो, चाहे वन उपज में काम, हमारे यहाँ जंगल है, पहाड़ी है, वहां से जो भी जड़ी बूटी निकलती है उनका काम, बकरी पालन, डेयरी और मुर्गी पालन, ऐसे छोटे छोटे रोजगार से महिलाओं को जोड़ते गए। यहाँ के सरकार छत्तीसगढ़ में जो मध्यान्ह भोजन चलता है, राशन दुकान चलता है, बाजार ठेका लेना, बड़ा बड़ा काम हमारी महिलाएं करते गई और आज लाखों महिलाओं को रोजगार मिला। हमारा चौथा काम है स्वच्छता में। आज भारत सरकार कहती है शौच मुक्त भारत बनाएंगे, भारत सरकार के कहने से कुछ नहीं होता, देश के हर एक नागरिक को सोच बदलना पड़ेगा। हमारा सोच नहीं बदलेगा तो हम शौचालय का उपयोग नहीं करते। शहर में तो शौचालय उपयोग होता ही है, लेकिन गांव में महिलाएं शौचालय उपयोग नहीं करती थी, उन लोग उनको लगता था कि हम लोग बैठे तो हमको बीमारी आएगा। हम लोग सरकार से कोई मदद नहीं लिए शौचालय के लिए, हम लोग उनका सोच बदल दिए और 8 दिन 12 दिन में पूरा गांव में शौच मुक्त गांव बनता गया। हम 2 महीने में 24 गांव को बिना सरकार के मदद से शौच मुक्त गांव बनाए और आज एक मॉडल के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी को भी हमारे छत्तीसगढ़ में आना पड़ा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात था। और सबसे ज्यादा चीज है नशा को लेकर,
आज छत्तीसगढ़ में पूरा देश नशा के आदि हो चुके हैं और उनका परिणाम एक बेटियों को भुगतना पड़ता है, एक बेटी है उनके साथ कुकर्म होता है, एक बेटी डर डर की जिंदगी जीती है, गली में मोहल्ला में स्कूल में कहीं भी जाती है बेटियों के साथ अत्याचार होता है, महिलाओं को मारपीट सहना पड़ता है, महिलाएं कमाती है और पुरुष है वो शराब पी के पड़े रहते हैं। उसके लिए महिला फौज बनाए हम लोग, जैसे भारत में हमारे फौजी लोग देश का रक्षा करते हैं वैसे हमारी गांव की महिलाएं लकड़ी लेके 50 से 100 महिलाएं पूरे गांव का भ्रमण करके गांव में जो अत्याचार होता है, जुआ ताश गांजा ट्रक जो भी चीज नशा का है उसको हम लोग खत्म कर रहे हैं, जो कच्चा शराब बनता था उसको पूर्ण रूप से खत्म कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा गाँव है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है और हमारा भारत है, हमारा फर्ज है कि हम देश के नागरिक हैं और जब तक हम स्वयं अपने गांव का रक्षा नहीं करेंगे, अपने देश का रक्षा नहीं करेंगे तो किसका गरज पड़ता है, क्योंकि नेता को ओर से मतलब है, अधिकारी को नोट से मतलब है, लेकिन हमारा फर्ज है हमारे देश का रक्षा करना। जैसी हमारी माँ है वैसे ही हमारी धरती माँ है, वैसे ही हमारी भारत माता है, इसलिए हम लोग निस्वार्थ भावना से नशा मुक्त काम करते हैं। इसके लिए सिर्फ सरकार से कभी मंगे नहीं है, लेकिन 2 मुट्ठी चावल 1 रुपए पैसा इकट्ठा करते हैं, पुराना साड़ी का पंडाल रहता है उस पंडाल में 2 लाख 2.5 लाख महिलाओं का बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते हैं, गांव में पद यात्रा करते हैं और हम लोग सरकार का जो योजना है गांव तक लाते हैं और गांव में जो समस्या है सरकार तक लाते हैं, क्योंकि सरकार बड़ा नहीं है, जनता बड़ा होता है, जनता समाज ही हम बैठाने हैं सरकार को, हमारा फर्ज है कि अपना अधिकार मांगने के लिए, इसलिए हम लोग नशा मुक्त में काम करते हैं, बहुत बड़ा बहुत सारा काम करते रहते हैं। इसके लिए महिलाएं स्वयं पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन उन लोग अपने गांव में लकड़ी सिटी से सिटी बसते ही जो पीने वाले हैं उन लोग शराब पीते रहते छोड़ के भगते हैं, जो भी खाना पीना पकड़े रहते उसको छोड़ के भगते हैं, क्योंकि संगठन में बहुत बड़ा ताकत है, एकता में बहुत बड़ा ताकत है, जिंदगी में हम मधुमक्खी का छाता की तरह बन जाएं तो किसी में मजाल किसी में ये नहीं है कि हमको हिला सके, हमारे देश को हिला सके, हमारे राज्य को हिला सके, हमारे गांव को हिला सके, एकता में बहुत बड़ी ताकत होता है। इसीलिए मैं लगातार काम करती हूँ, 2001 से अभी तक मेरे को नहीं पता कि कितना सारा सम्मान मिला है, मैं सम्मान के लिए काम नहीं करती और अभी तक कभी पैसे के लिए काम नहीं की हूँ, जो भी मिला करोड़ों रुपया पैसा मिला उसको मैं दान कर दी महिलाओं में सम्मेलन में अब उनके फाउंडेशन में, और एक बहुत बड़ा आश्रम बना रही हूँ जो महिलाएं विदेश जाना है तो मैं उसको विदेश भेजने के लिए, जो मेरा एक सपना है कि मैं नहीं पढ़ी क्या हुआ, लेकिन मेरे राज्य की बेटियां पढ़े और आगे बढ़े, हमारा देश का नाम रोशन हो। और जो महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं, किसान आत्महत्या कर लेते हैं कर्ज के कारण पलायन होते हैं, उसके लिए मैं वो कंपनी में गांव वाली ब्रांड बना दी हूँ, जैसे बड़े बड़े रिलायंस फाउंडेशन बना है, टाटा म्यूजिक है, वो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा छोटा सा छत्तीसगढ़ का छोटा सा नाम हम लोग दिए हैं गांव वाली, उस ब्रांड में हल्दी धनिया मिर्च गांव में चावल दाल जो भी हम लोग छत्तीसगढ़ के लोग उगाते हैं उसको ऑर्गेनिक के नाम से हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो ये मेरा काम है और लगातार मैं अपने काम में सुबह से शाम तक, इसके लिए मेरे को 3 बजे उठना पड़ता है, घर में आज भी मेरे पति गाय बकरी चराते हैं और गाय बकरी चरा के दूध बेच के मैं समाज सेवा करती हूँ। अभी आप देखे होंगे कौन बनेगा करोड़पति में केबीसी में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बीच में बैठ के हर सीट में 50 लाख जीत के आई, उसको भी मैं दान कर दी हूँ, क्योंकि आश्रम बना के मैं अपने राज्य अपने देश के बच्चों को उनका भविष्य गढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि पढ़ना लिखना तो बहुत बड़ी बात है लेकिन जिंदगी में अपने को पहचानना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप में हम लोग को एक गर्व है कि आप विदेश में बैठ के पढ़ रहे हो, हम खुश नसीब हैं कि आपके साथ हम बैठ के बात कर रहे हैं, और हमारा गर्व यही है कि आप अभी अपने माता पिता के नाम से पहचान है, आप अपने गांव के नाम से पहचान है, लेकिन आप लोग के कारण में हमारा भारत का नाम रोशन हो, हमारा देश का नाम रोशन हो और हमारे अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, आपके नाम से आपके माँ बाप को पहचान हो
और आप लोग के कारण ही हमारा देश का पहचान हो, यही लेके मैं लगातार प्रयास करते रहती हूँ। और बस पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, भारत के हर स्कूल यूनिवर्सिटी में जाती हूँ और वहाँ जाके बच्चों को दो डेढ़ एक में दो दिन तीन दिन तक पढ़ाना पड़ता है, पढ़ाती हूँ। पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ लेकिन जो जमीन में करती हूँ उसी को बताती हूँ। और दिल्ली के बच्चे लोग, सूरत से, इरमा से बच्चे लोग यहाँ आके डेढ़ महीना रह के पढ़ते हैं मेरे पास आके, और वो बच्चे लोग को गाँव में रख के उनको जिंदगी जीना सिखाती हूँ कि गाँव एक ऐसा चीज है जिसमें हमारा महात्मा गांधी का प्राण बसता था। आज भी वो गांव में हर चीज मिलेगा, वहां दया है, ममता है, करुणा है और हर इंसान के लिए एक जगह होता है। वो हमारा भारत है जिसको सोने का चिड़िया कहा जाता है। आज भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के माता जी का यहाँ घर है, यहाँ मायका है, इसलिए हम लोग सभी को अतिथि देव भव कहते हैं। तो भारत से बड़े दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मैं खुश नसीब हूँ कि छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, मैं खुश नसीब हूँ कि भारत की बेटी हूँ, इसलिए मैं लगातार काम करते रहती हूँ। नमस्ते फुलवसन भाई जी, बहुत अच्छा लगा आपका जवाब सुन के। तो अब मैं थोड़ा इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा हमारे इंग्लिश व्यूअर्स पे। सो फुलवसन भाई जी वाज काइंड एनफ टू शेयर हर लाइफ स्टोरी एंड हाउ शी वाज बोर्न एंड रेज इन इंडिया एंड विदाउट एनी रिसोर्सेज और एक्सेस टू एजुकेशन शी वाज एबल टू फाइंड द कॉन्फिडेंस एंड इंस्पिरेशन टू सीक दीज रिसोर्सेज एंड able to educate her own children despite these limitations and lack of respect in society. And through this hard work and diligence, she was able to earn respect and find unity within a group of 11 women who have now rallied the support of almost 200,000 women and raised almost 40 crores in funding to support her organization. And through the use of many stories and expressions, she has shared her story with us today, and we're all grateful to hear it. Thank you. Okay, so please proceed with the next question. Okay, namaste, my name is Shridip. So while your work was very influential, many have perceived it quite negatively. So could you point to one specific example of backlash and how it got in the way of your work? And how did you deal with that backlash to continue your work? So, Kulbhushan Bhai ji, like, inka sawal hai, aapne to bata diya ki aapko kitna virodh hua aur is virodh ke bawajood aap kaam karti rahi. To inka yahi sawal hai, isi disha mein hai, jabki aapka kaam bahut prabhavshali hai, kai logon ne ise nakaratmakta se dekha hoga. Kya aapko virodh ki aisi koi khas ghatna yaad hai jo aapko kaam ke aade aayi thi? और आपने इस विरोध को कैसे निपटा? क्योंकि ये हम लोग महिलाएं बाजार लिए थे, बाजार जो ठेकेदार लेते थे, बड़े बड़ा ठेकेदार लेते थे बाजार को, तो हम 11 महिलाएं अपने गांव का बाजार लिए। बाजार में हम लोग टिकट काटते थे, जो पंचायत से मिलता है, ग्राम पंचायत बोलते हैं, उस पंचायत से हम लोग एक साल के लिए लिए थे। तो पहले वाला जो ठेकेदार था वो हम लोग के लिए बहुत विरोध करते थे, यहाँ तक के धमकी दिए कि आपको उठवा देंगे, मार देंगे, अपने आपके बच्चे लोग को उठवा देंगे, आप हमको बाजार को दो। क्योंकि जो पहले वाला बाजार वाला था वो मारपीट करता था सब्जी वाले को, सामान वाले बेचने वाले को, क्योंकि वो गरीब सब्जी भाजी बेचते हैं कहीं भी रोड में बैठ के, तो उनके पास पैसा नहीं रहता था। तो जब वो बाजार में, जब वो हम लोग उसूली बाजार खरीदे पंचायत से, तो बोले कि हम आपको पैसा दे देंगे लेकिन आप दो। फिर मैं, मेरा यह कहना था कि हम एक महिलाएं हैं, हम लिए हैं क्योंकि आपका अत्याचार 25 साल से चल रहा है। अब हम महिलाएं खड़ी हैं अपने गांव में और 11 महिलाएं थी हम लोग, तो वो उनको बहुत चिढ़ हुआ। मेरे साथ एक लड़की थी जो पढ़ी लिखी थी, तो वो भी हट गई क्योंकि मार पीट देंगे मेरे को, मैं नहीं रहती। एक कॉलेज में पढ़ती थी फिर भी वो डर गई और मेरा रजिस्टर जो लिखते थे उसको फेंक के चले गई कि मेरे को नहीं करना है, कभी मेरे को उठवा देगी। तो मेरे को ये लगा कि आज मैं बैठ जाती हूँ तो आने वाला भविष्य में महिलाएं ऐसी डरते रहेंगी, कुछ भी हो जाए, मार दे या पीट दे, मेरे को उठवा दे, मैं तैयार हूँ। फिर 11 महिलाएं हम लोग टिकट काटे तो हमारे बीच में गुंडा लगा दिए, 8-9 गुंडा हमारे पीछे में दौड़ते रहते थे। उन लोग जैसे हम बाजार में वसूली करते थे तो पीछे तरफ से वो गुंडा लोग हम लोग को डराते चमकाते थे। फिर एक दिन वहां के जो कलेक्टर दिनेश श्रीवास्तव सर जी, उनको पता चला कि महिलाएं इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो कलेक्टर बुलाए हमको, हम गए, बोले फुलवासन जी आपको पुलिस का जरूरत है,
क्योंकि गुंडा लोग आपके पीछे में हैं, और 2001 का बात है, गुंडा इतना पीछे पड़े थे कि कभी भी आपको उठवा देंगे, मार देंगे, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी उठवा देंगे, डरा रहे हैं, चमका रहे हैं, तो आप पुलिस का सहारा लो। मैं बोली वो महिला महिला क्या है, जो एक दूसरे के ही सहारा से हम आगे चलते रहेंगे, कहीं ना कहीं संघर्ष करेंगे तभी हमको मंजिल मिलेगा। अब मैं बोली पुलिस का सहयोग नहीं चाहिए, मैं अपने आजू बाजू में जो सब्जी लेने आते थे तो वो सब्जी वाले को चारों तरफ से उनको महिलाओं को बोली कि देखो दीदी हम लोग बाजार लिए हैं गरीबों के लिए और कम रेट में इन लोग से वसूली कर रहे हैं, तो ये गुंडा लोग हमारे पीछे पड़े हैं। तो जो महिलाएं सब्जी लेने आती थी वो थैला लेके आती है, हर सब्जी लेना है तो थैला पकड़ना पड़ता है, उसमें हम लोग पत्थर मंगाए उनको, सभी लोग पत्थर और लकड़ी लेके आते थे सब्जी के साथ साथ में, तो फिर हमारे पीछे इतना दौड़े इतना और पूरा उनको भगा दिए, पूरा लगभग हमारे साथ 200-300 महिलाएं एक साथ हो गई और हम लोग उनको भगा दिए, तो एक बार दो बार आए उसके बाद हम लोग आज तक उनको नहीं देखे हैं। ये हुआ गांव में बहुत बजाते रेडियो लगाते थे कि इनको गांव से निकाल दो, गांव से भगाओ, इनको पानी भी मत भरने दो, फिर गांव वाले के सामने में हम लोग कोई झगड़ा नहीं किए, जिंदगी में जैसे हमारे महात्मा गांधी कहते हैं कि रघुपति राघव राजा राम पति के पावन सीताराम, जिंदगी में शांत से जो काम हो सकता है तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि हम अपने भाई भाई झगड़ा होते हैं, अपने बीच में ही झगड़ा होते, क्यों, हम तो एक परिवार है, एक भारत माता के बच्चे हैं, लेकिन झगड़ा क्यों। तो गांव लोग हम लोग के साथ लड़ते थे झगड़ते थे, लेकिन हम उसके बलते उनको काम करके दिखाते थे, काम करते थे, गांव में साफ तालाब में साफ सफाई करना, बच्चे लोग को कंघी करना, उनको ड्रेस देना, उनको पुस्तक पट्टी देना, खिलाना पिलाना, तो ये हमारे साथ बहुत सारा हुआ। घर से भी बाहर मेरे को रहना पड़ता था, कई बार गीला कपड़ा में पड़े रहती थी, मेरे को भी बहुत मार पड़ा, इतना बाहर क्यों जाते हो, गांव में इतना सब लोग चिल्ला रहे हैं, क्योंकि गांव विरोध करेगा तो परिवार विरोध करेगा, पहले परिवार से पहले विरोध को झेलना पड़ता है, तभी गांव से झेलना पड़ता है तब, क्योंकि जिंदगी में आदमी ना पहले गाली मिलता है उसके बाद ऐसे ताली बजाते हैं, पहले गाली सुनने के लिए कान को तैयार रहना चाहिए, तभी ताली बजाने के लिए यही हाथ हमारे लिए आता है। इसलिए संघर्ष तो बहुत हुआ, हजारों संघर्ष करना पड़ा, कई पुरुष लोग बोलते थे कि महिला को ऐसे मार दिए फेंक दिए, उनके साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ, कई प्रकार के बोले, लेकिन ये कान में ये चीज मेरे समझ में नहीं आता, मेरा एक लक्ष्य था, आजू बाजू कौन क्या बोल रहा है वो मैं ध्यान नहीं देती थी ना आज भी देती हूँ, मेरा एक लक्ष्य है कि मैं अपने देश अपने राज्य अपने बहनों को एक मुट्ठी में बांध के रखूंगी। इसलिए डर को ही हथियार बना ले, कौन क्या करे वो मेरे से कोई मतलब नहीं है, कोई बोले अंगूठा छाप है, कोई बोले भिखारी है, भीख मांगने वाली महिला है, क्या करेगी, एक गांव को बिगाड़ती है भिखारी, स्वयं अपने घर को नहीं पाल सकती है, अपने बच्चे को नहीं पाल सकती है, पूरे महिलाओं को क्यों बिगाड़ रही है, तो बहुत गाली पड़ता था, लेकिन मैं हंसते हुए उनको यही बोलती थी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कुछ करती थी इसीलिए लोग विरोध करते थे, हुआ बहुत। So the question was related to the criticism that Pulva Sambhaji has faced in her career. And she responded with an interesting story about how she was confronted by thugs in a marketplace. And she rallied the support of hundreds of women. And without any violence, without any help from the police, she was able to get rid of these thugs by just unity. And this message of unity and strength in unity is something that Pulva Sambhaji lives by. And that is, she claims that this is her strength, and that whenever she's criticized, she just laughs in their face and essentially says thank you. And that's her strength. She gets strength from the criticism, and that's how she's become so successful. Thank you. Let's go to the next question. आपने इतना कुछ सहन किया पर फिर भी आपने इतना कुछ किया दूसरे लोगों के लिए तो बहुत अच्छा। So our next question is, how has the support for your work changed over time? So in the beginning you didn't receive much support, but now you've received a lot more support. So we just wanted to know more about this journey. How has it changed? Kulbhushan bhai ji, Vedika जानना चाहती है कि पहले तो बहुत विरोध हुआ और आपने उसका जवाब कैसे दिया, ये भी हम लोग ने देखा।
लेकिन इसको मतलब कैसे उसमें उन लोगों में कैसे बदलाव आया और अभी उन लोग वही लोग आपकी कैसे सहायता करते हैं, ये जो बदलाव की जो ये है, ये कहानी हमें बताइए कैसे बदलाव आया। बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि पहले हर इंसान के पास कहीं ना कहीं तकलीफ रहता है, चिल्लाते भले हैं लेकिन सुनने वालों का कोई नहीं होता, नेता है भाषण देंगे चले जाते हैं, लेकिन जब महिला हो चाहे महिला बेटी हो चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष क्यों ना हो, कहीं ना कहीं तकलीफ में तो हैं, कोई बीमारी से, कोई गरीबी से, कोई अपना अज्ञानता से पढ़ाई नहीं करने के कारण या कई प्रकार का तकलीफ होता है। हम उनके घर का सदस्य बन जाएं, हम उनके साथ में एक क्या है, जब तकलीफ है ना तो कोई साथ नहीं देता, हम उसके एक दीदी बन जाएं, उनके घर में जाके उनका तकलीफ को पहले सुन ले, हम अपना बात ना करें, हम उसको उसको पहले हम जाके उनका सहयोग करें, तो जब हम सहयोग करते हैं तो उनको भरोसा हो जाता है कि नहीं ये वैसे नहीं जैसे हम लोग सोच रहे हैं, ये तो हमारी बड़ी दीदी है, ये हमारी बहन है, हमारी छोटी दीदी है, ये हमारी माँ है, ये हमारी गुरु है, ये तो हमारी मदद करती है, तो उनमें एक परिवर्तन होता है। क्योंकि आज जब हम काम करेंगे ना तो बाजू में एक दूसरा दुकान खुल जाएगा, हम एक दुकान खोलते हैं तो बाजू वाला दुकान खुल जाता है, ऐसे ही जब हम अच्छा काम करेंगे ना तो सामने वाले का आप ही आप जुड़ते जाते हैं। आज मेरे साथ 2 से 2.5 लाख महिलाओं का संगठन है, मैं आज तक कभी सरकार से 1 रुपया पैसा नहीं मांगी, लेकिन 1-1 रुपया महिलाएं पैसा जमा करके ही इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, समाज में छुआछूत का भावना होता है, समाज में बड़ा छोटा का भावना होता है, बहुत सारा समाज में परिवर्तन करने का सबसे बड़े कारण यही है कि हम उनका घर का एक सदस्य बनना पड़ता है प्यार से दुलार से, क्योंकि जब तक हम उसके साथ में उनके दुख में साथ नहीं देंगे तो हमारे ऊपर विश्वास कैसे करेगा। उनका कहना कोई गलत नहीं था, क्योंकि समाज में ऐसे लोग बहुत आते हैं, बोलते हैं करते कोई नहीं है, लेकिन करने वाला बहुत कम मिलता है। जब हम उनके घर के कुछ काम करके दिखा दो, मैं स्वयं एक गटर साफ की हूँ, उनके घर का गटर साफ की हूँ, उनके घर में नाली बनाई हूँ, उनके घर का शौचालय में स्वयं अपने हाथ से बनाई हूँ, जब वो लोग बीमार पड़ते हैं ना तो मैं उनको 12 बजे रात में साइकिल चलाते हुए उनको हॉस्पिटल तक ले जाती हूँ, उनके पास पैसा नहीं रहता तो 1-1 रुपया इकट्ठा करके उनको पैसा जमा करती हूँ। कोई महिलाओं के सामने मान लो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ रहा है 2-3 महीना, तो मैं सरकार को अपना SP CSP को बोलती हूँ कि आज शाम तक इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगा, पूरा थाना खाली करके रख देना, पूरे महिलाएं अंदर होने के लिए तैयार है, लेकिन आप नहीं दोगे तो आप सोच लो थाना खाली कर देना। तो उनका मदद को सबसे पहले महत्व देती हूँ, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे रोजगार के लिए हो, चाहे समाज में जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, किसी को जला दिए, किसी को मार दिए, कई प्रकार के महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। तो आज भी छत्तीसगढ़ में कहीं भी कुछ होता है तो सबसे पहले फुलबासन दीदी उनको याद आता है, निशुल्क कहीं पैसा नहीं। मैं SP CSP कलेक्टर और मुख्यमंत्री क्या मैं दिल्ली में भी आवाज उठा देती हूँ कि आप ऐसे नहीं करोगे कि सोच लो, मैं कभी हड़ताल नहीं करती, कभी नहीं करती, आंदोलन नहीं करती, बस मुंह से बोलती हूँ, क्योंकि मक्खी का छाता है मेरे पास, मेरे में वो ताकत नहीं है, ताकत वो मधुमक्खी का छाता है, इसलिए मैं बड़ा से बड़ा काम कराती हूँ, इसलिए उनको एक भरोसा जीतना पड़ता है, किसी के साथ काम करना है, उनको जोड़ना है तो सबसे पहले हम उनका दुख को दूर करें, उनका तकलीफ को दूर कर दें तो आप ही आप जुड़ते जाएंगे। मैं तो बताती हूँ कि राजनांदगांव में 2 से 2.5 लाख महिला, छत्तीसगढ़ में 8 लाख महिलाओं का संगठन बन चुका है, जो पूरे छत्तीसगढ़ में घूम घूम के काम कर रही हूँ, बिना निस्वार्थ भावना, कभी भूखा रहना पड़ता है, कई बार तो पानी भी नहीं मिलता, कई बार एक पार्ले बिस्किट खा के सुबह शाम दिन रात रहना पड़ता है, क्योंकि हम एक सेवक हैं अपने देश का, एक माँ है, एक बच्चे हैं, तो ये सब होता है करते रहते हैं और मजा भी आता है, संघर्ष करेंगे तभी मंजिल मिलता है, वो काम में जो मजा आता है ना तो आसानी से हर चीज को मिल जाता तो मजा नहीं आता, इसलिए अब मैं महत्व अपना मंच मैं बोलती नहीं हूँ, पहले उनको मंच देती हूँ, सब बोल के चले जाते हैं लेकिन मेरा मंच ऐसे है कि हर गरीब को सामने ला के उनको बुलवाती हूँ, आपका तकलीफ उनका तकलीफ को सुनती हूँ, उनको मंच में खड़े करती हूँ, उनका डर को भगाती हूँ, उनका हौसला बढ़ाते रहती हूँ कि आप ऐसे करो, आप में वो ताकत है, बहुत अच्छे काम कर रहे हो, आपसे बड़ा कोई नहीं है,
तो महिलाओं में वो जज्बा आता जाता है। और आज दिल्ली में भी ले जाके बोलू ना कि आप 5 मिनट बोलना दीदी, तो लोग आधा क्या 3 घंटा भाषण देने के लिए तैयार रहती हैं। ये बिना पढ़ी लिखी महिलाएं हमारे देश की दिल्ली जैसे जगह में अपना आवाज बुलंद करके बोल सकती है, क्योंकि करती हैं, काम करती हैं ईमानदारी, लगन से और निस्वार्थ से। इसलिए So Pulvasan Baiji talked about how the importance of empathy and how it's important to empathize with whoever you're trying to rally the support from. So wherever there's a need, you fulfill that need, and then automatically with those people will come to help you when you need help. So with that motto, Pulvasan Baiji has rallied the support of so many young women and has encouraged them and empowered them to go speak to even at the capital of Bharat, which is Delhi, and go and speak to politicians and rally support for changes in policies and to bring change to these communities. Thank you. Next question, please. Namaste, Pulvasan Baiji. What impacts did your project have on the people and the relationships in their town? And was there an improvement in the quality of life for women through your work in the village of Chhattisgarh? And are there any stories about the influence that you can share with us? So, Manvita जानना चाहती है कि आपने इतने सारे बदलाव किए, ये महिलाओं की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव हैं। तो क्या ये बदलाव के कुछ आप उदाहरण दे सकती है कि कैसे उनकी जिंदगी बदली उन महिलाओं की, और अभी मतलब उन्हें उन्हें क्या अच्छा मिला इसमें से? सबसे पहले उनको बोलना सिखाना था। पहले हम 20-25 साल के पहले हम घर से बाहर नहीं निकलते थे, हम अंदर में ही रहे कि कोई बाहर से आए ना तो बोलते जा दादा को बुला के लाना, कोई आए हैं। हमको डर लगता था, बहुत डर लगता था किसी से बात करने के लिए। दूसरे पुरुष से हम बात नहीं कर पाते थे, हमारा गांव गली ना कीचड़ में भरा रहता था। हम लोग गोबर उठाते थे, कीचड़ उठाते थे, मिट्टी फेंकते थे कभी, लेकिन पुरुष लोग के सामने नहीं आ पाते थे। और कोई भी समस्या रहे, जितना भी संघर्ष करते रहते थे लेकिन कभी किसी को बताते नहीं थे। बच्चे भूखे हैं, कुपोषण है, हम स्वयं बीमार हैं, हम लोग समय में खाते नहीं थे। कभी खाना है तो कभी चटनी के साथ खा लिए, मार पी के जिंदगी जीते थे। तो ये चीज था। जब हम लोग एक हुए, जैसे एक माँ लाचार होती है, एक माँ अपने बच्चे को खिला नहीं सकती, लेकिन जब हम 10 माँ एक साथ हुए तो जब चावल इकट्ठा किए तो हमारे पास 3 किलो 4 किलो चावल इकट्ठा होता था। तो सबसे पहले गरीबी दूर करने के लिए हम लोग धान चावल इकट्ठा किए और जो 2 रुपए जमा करते थे उसको बैंक में डाले। बैंक हमारा नाबार्ड बैंक, ऐसे बैंक में हम लोग पैसा डाले जिसमें हम लोग 100 रुपये डाल रहे हैं, हमारे बैंक में रखते हैं, तो बैंक हमको 400 रुपया पैसा देती थी। अब वो 400 रुपया पैसे में हम छोटा सा दुकान लगाते थे, जैसे चना मुर्रा का दुकान है, जैसे छोटा सा पान ठेला है, बच्चों का खिलौना है, कोई भी चीज मान लो थोड़ा थोड़ा सामान हम लोग रख के रोड में बैठ के सब्जी बेचते थे, कहीं भी स्कूल के सामने में दुकान लगाते थे, छोटे छोटे जो कंपनी का जो 1-2 रुपए में जो सामान आता उसको खरीद के हम लोग बेचते थे दुकान में जाके। हम लोग ऐसे अगरबत्ती बना के, रुई बना के, ये 500 रुपया में 1000 में छोटे छोटे रोजगार शुरू किए। और उसके बाद धीरे धीरे हमारा रोजगार इतना बढ़ा कि आज हम स्वयं कंपनी बनाए हैं, ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं। और जो जैसे 200 महिलाएं हैं जिमीकंद सुरंग लगाए, पहले उसको हम लोग किसी को दे देते थे, उनको ये नहीं था कि इसमें हम लोग पैसा कमा सकते हैं। तो उस सुरंग को हम लोग बड़े रूप में लगाए, 1200 महिलाएं हम लोग सुरंग लगाए और उसमें हम लोग 3 करोड़ रुपया पैसा कमा लिए। एक साल में हम लोग 3 करोड़ कमा लिए जिसमें हमको खर्च कुछ नहीं हुआ, 0 बजट से। पहले हम लोग पलायन करते थे और आज वो 1-2 एकड़ खेती में हम लोग पूरा घेरा लगा दिए और 10 महिलाएं का 10 एकड़ जमीन में एक बोर करवा दिए। उस बोर में और उस पूरा घेरा करके उसमें सब्जी भाजी लगा दिए। तो उसमें हमको छोटे छोटे रूप में हमको सब्जी भाजी और ऑर्गेनिक सब्जी मिला, ऑर्गेनिक चावल दाल मिला, हल्दी धनिया मिर्च मिला। तो आज धीरे धीरे 10 से 15 हजार 20 हजार महिलाएं कमाती है। जैसे 25 गांव में मैं 18 महिलाओं को शुरू की थी गौ पालन के लिए, गाय पालन, पशु पालन के लिए,
जब हम लोग बैंक से, हम लोग मान लो 50,000 जमा किए तो 4 गुना बैंक हमको पैसा देती है ब्याज में। हमारा 5 सूत्र होता है महिलाओं में, मैं उसको बना दी हूँ कि आप नियमित बैठो, नियमित बचत करो, आपसी लेन देन करो, समय में उधार वापसी करो और लेखा संधारण लिखाई पढ़ाई भी करो। ये 5 चीज हम करते हैं तो बैंक हमको मान लो 1,000 के बदले 4,000 देती है, 4,000 जमा करते हैं तो हमको 15-16,000 रुपया पैसा देती है। तो ऐसे हमको 4 गुना पैसा मिलते मिलते आज 5 लाख 10 लाख हमको बैंक लोन देती है और उसको हम लोग 11 महीने में बकायदा उस पैसे को हम 11 माह में ही हम पटा देते हैं क्योंकि हमारे पास रोजगार है। वो 18 महिलाएं गौ पालन की, पशुपालन की, तो पहले 1 किलो दूध बेचती थी, आज 1 महिलाओं के पास 70-80 किलो दूध निकालती है। उन लोग घी बेचती हैं, दही बेचती हैं और दूध ट्रक में जाता है। 25 गांव में जो दूध होता है वो दूध एक सोसाइटी बना दिए है डेयरी का, महिलाओं का। अब उस डेयरी में वहां का जो देव हो गए, हमारे छत्तीसगढ़ में देव हो गए, अमूल दूध है, अमूल दूध को हम लोग वहां से नहीं ला सकते गुजरात से, लेकिन मिनी अमूल दूध हमारा बन चुका है। 25 गांव की महिलाएं जुड़ी हैं, एक एक महिलाओं को एक एक गांव में 25-30 हजार रुपया कमा लेती हैं। उनके साथ उनके पति को रोजगार मिला, उनके बच्चे लोग को रोजगार मिला और महिलाएं स्वयं ट्रेनिंग लेके पूरे परिवार को पाल रही है। बकरी पालन करती है, 150 महिलाओं से शुरू की थी, आज 200 परिवार में बकरी ही बकरी मिलेगा। उनके घर एक ऐसी झोपड़ी में था, आज उन लोग पक्की घर बना लिए, ये परिवर्तन हुआ। उन लोग उनके पति 30-40-50 बकरियों को बेचती हैं और वो बकरी बेच बेच के अपना घर बना ली। आज जहाँ हम बैठे हैं आप देख रहे हो, मेरे घर में हो, मेरा भी घर छोटा सा झोपड़ी था, मैं गांव वाले लोग मेरे दान में 2.5 डिसमिल जमीन दिए। आज भी मेरे पति गाय और बकरी चराते हैं, 100 बकरी है, 15-20 गाय भैंस है, दूध बेच के मैं समाज सेवा करती हूँ और ये घर को ही मैं बकरी बेच के ही घर बनाया हूँ। वैसे ही 200 गांव में पूरे महिलाएं हैं, 200 परिवार में जहाँ महिलाएं बकरी पालन करके अपना घर, उसी में खेती करती हैं, उसी में घर बनाई हैं और पूरा रोजगार से जुड़े हैं। बहुत सारा है जिसको मैं बताऊंगी तो 10 बज जाएगा। पूरे रोजगार से जुड़ी हुई महिलाएं अलग अलग तरीके से सब महिलाएं काम करते रहती हैं और कभी नौकरी का नाम नहीं लेती, वो नौकरी करना नहीं चाहती क्योंकि वो स्वयं 2-2, 3-3 नौकर पाल रही हैं जो खुद मजदूर करती थी। ये परिवर्तन हुआ उनके बाद में, वो कलेक्टर हो चाहे मुख्यमंत्री हो, मान लो मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में आना है या प्रधानमंत्री जी को आना है तो याद करेंगे महिलाओं को, 3 लाख महिला इकट्ठा करना है, 2 लाख महिला इकट्ठा करना है, तो महिलाएं सरकार से नहीं मांगती, मेरे लिए बस चाहिए, मेरे लिए खाने के लिए चाहिए, अपने गाड़ी मोटर से गाड़ी लगा के बस लगा के महिलाएं वहां तक जाती हैं, अपने लिए खाना दाना पकड़ के जाती हैं। ये महिला सशक्तिकरण है, ये काम होता है। बहुत ही बढ़िया फुलभूषण भाई जी, आपने सही कहा कि संघर्ष से आपने उन्हें संपन्नता का मार्ग दिखाया एक व्यावसायिक बन के, तो वो मजदूर से खुद बिजनेसमैन बन गई और अभी बाकी लोगों के लिए भी रोजगार निर्माण करती है, तो बहुत ही अच्छा परिवर्तन। So Phulbasan Baiji has learned how to teach women not only to speak and to learn basic education, but she's also taught them to become entrepreneurs in India. And by teaching them skills on how to sell different goods such as milk and cows and different vegetables. She's taught these women to grow their own farms and to use the money that they get from these farms to build their own houses. And the fact that these women have had such a great return on investment on merely a few rupees, and now they're self-sufficient, they don't have to work another job in their life, they have their own income. That's truly amazing. And Phulbasan IG is commendable for that. Namaste Phulbasan IG. How was your experience receiving the Padma Shri Award? And looking back after 10 years or so, how has it impacted your work and the way that people perceive you? ये आपको पद्मश्री अवार्ड मिला जो कि भारत का तीसरा सबसे माननीय अवार्ड है, तो ये अवार्ड मिलने के बाद आपको कैसे लगा और आपको क्या लगता है कि ये अवार्ड मिलने के बाद आपके कार्य में मतलब कितनी सहायता हुई, क्या बदलाव आया लोगों को, लोगों के मन में आपके बारे में, तो इसके बारे में अगर आप बताएंगे तो अच्छा। सम्मान लेना बहुत बड़ी बात है, सम्मान को निभाना उससे बड़ी बात होता है।
कैसे लगा मैं कुछ बताना चाहती हूँ, मेरे को बहुत रोना आ रहा था। मैं जिस दिन मेरे पद्मश्री सम्मान का पहले बार राष्ट्रपति भवन से आया कि आपको पद्मश्री सम्मान मिल रहा है, तो उस दिन मैं बहुत रोई। रोई क्यों हूँ, क्योंकि जिंदगी में सम्मान तो मिलता है लेकिन निभाने वाला नहीं मिलता। उनको एक अहंकार हो जाता है कि मेरे बहुत बड़ा सम्मान मिला, मेरे को ये सम्मान नहीं मिला। ये सम्मान तो 2 लाख महिलाओं का सम्मान है, वो महिलाएं जो हम लोग एक दूसरे को कंधा से कंधा मिला के आगे बढ़े। तो सबसे पहली बात तो सभी महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ की, जो राजनांदगांव की, जो 2 लाख महिलाएं संघर्ष करते हुए हम एक साथ जुड़े हैं, इसलिए पद्मश्री सम्मान है। तो वो सम्मान आज भी मेरे यहाँ राजनांदगांव जिला है, वहां सभी महिलाओं का जो संगठन है पद्म के नाम से है। पहले माँ बम्लेश्वरी स्वयं सहायता समूह बनता था, अब पद्म माँ बम्लेश्वरी समूह बना, क्योंकि मेरे कभी नहीं लगा कि ये सम्मान का हकदार मैं एक हूँ। बहुत सारा मिला, बहुत सारा मेरे को मिला है वो सम्मान, कईयों नेशनल अवार्ड मिल चुका है, लाखों रुपया करोड़ रुपया पैसा, लेकिन कहीं भी नहीं लगता कि ये सम्मान का हकदार कोई मैं हूँ। नाम से इंसान बड़ा नहीं होता, कर्म है, कर्म इंसान करते रहो और उस कर्म में हरेक व्यक्ति का जितना जवाबदारी है, क्योंकि जिंदगी में 100 में एक 0 निकाल देंगे ना, तो 0 नहीं रहेगा तो जिंदगी में हम 100 नहीं बनेंगे, 1 करोड़ नहीं बनेंगे, 1,000 नहीं बनेंगे। हमारा सबसे बड़ा महत्व है वो 0। हम लोग उसको महत्व नहीं देते कि ये 0 छोटा सा है, क्या करेगा, इसका क्या औकात है, लेकिन सबसे बड़ा औकात वो 0 है। और वो मेरी महिलाएं हैं, मेरी बहनें हैं जो मेरे साथ में मिलजुल के काम करती हैं, इसलिए उस सम्मान को मैं पूरा समर्पित कर दी। और ऐसे कई सम्मान 2 लाख 20 लाख 10 लाख ऐसे जिंदल या स्त्री शक्ति, मेरा ध्यान नहीं रहता कितना सारा है। ऐसे कोई महीना नहीं होगा मेरे को सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन उस सम्मान से मैं 4 गुना काम करती हूँ। रोती इसलिए रोती हूँ मैं, क्योंकि शायद ये सम्मान को मैं निभा पाऊंगी या नहीं निभा पाऊंगी। मेरे को पद्मश्री सम्मान मिला तो मैं पहले मंच में राष्ट्रपति के पास गई, मैं अपने संस्कृति में जाती हूँ, अपने राष्ट्र छत्तीसगढ़ महतारी की तरह मैं अपना पोशाक लेके जाती हूँ। जब मैं गई तो बहुत रोई और मेरे को यही लगा कि आज के बाद मेरा जिंदगी कई गुना और बढ़ गया, इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा काम करना है। मैं 8 दिन तक सो नहीं पाई थी, मेरे को नींद नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन जैसे वहां से सम्मान लेने के बाद मंच में आई और उस दिन बोली कि आज के बाद मैं गाँव में नशा मुक्त के लिए काम करूंगी, सबसे बड़ा पीड़ा। दूसरा है रोजगार में महिलाओं को जोड़ूंगी। पद्मश्री मिलने के बाद में 575 ऐसे गांव में मैं नशा मुक्त गांव बनाई। उसके बाद फिर पूरा गांव में रोजगार के लिए महिलाओं को छोटे छोटे बड़ा रोजगार के लिए जैसे कंपनी है, एपीओ बनाना है, ये सब काम शुरू की मैं 2012 के बाद ही काम की। छोटा छोटा काम चलता था, दूसरे की मदद से चलता था, लेकिन खुद के मदद से बड़ा काम शुरू की। तो सम्मान लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। और जब मेरे पहले बात आया तो मैं आंध्रा में थी, 15 दिन के लिए मैं आंध्रा गई थी, पूरे देश में घूमते रहती हूँ, तो गई थी, तो वहां मेरे को जब आया तो मेरे मोबाइल छूट गए मेरे हाथ से। राष्ट्रपति भवन से पद्मश्री सम्मान के लिए आपको बधाई हो बोले, तो मेरा मोबाइल छूट गया, क्योंकि मेरे को ये लगता था कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आया ना, मैं ऐसे कुछ काम भी नहीं की हूँ, तो मेरे को कहीं शायद कोई गलत नाम होगा, कोई दूसरा होगा, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। और जब मिला, बोले कि मेरे पास जो साथ में रहते हैं पढ़े लिखे वाले भैया लोग रहते हैं, उनको रखी हूँ, क्योंकि मेरे को बिल्कुल नहीं आता, अभी थोड़ा सीख रही हूँ कि आप लोग का सबका नाम मेरे को मालूम है, आदित्य भी है जो, और हमारी मनीता भी है, ऐसे सबका नाम को पढ़ ली हूँ, लेकिन ना वहां बोलना वोलना नहीं आता अंग्रेजी में। तो ना मैं जब मेरे ऑफिस वाले लोग बोले कि दीदी आपका आपको वास्तव में पद्मश्री मिल रहा है, तो फिर उस दिन से भी मेरा सोना खाना हराम, और आज तक मैं कभी 3 बजे नहीं सोई हूँ। 2:45 बजे मेरे को उठना तय है, 2:45 बजे उठ के पूरा घर का काम करके ही मैं समाज सेवा करने निकलती हूँ। 1000 कईयों डेली 40-45 लोग आते हैं, उनका समस्या दूर करती हूँ, डेली मेरा यही काम रहता है। तो सम्मान तो बहुत बड़ी बात होता है, और ये सम्मान का हकदार आप लोग भी हो, क्योंकि भारत के सभी नागरिक के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, मेरे को तो लिखना पढ़ना नहीं आता, कोई भेजे, कोई मेरे से बात किए, कोई कुछ किए, ऐसे करके सबका सहयोग है तो पद्मश्री मिला। और अभी कौन बनेगा करोड़पति में भी ऐसे हुआ, कर्मवीर में जब मैं गई तो
मैं कोई पढ़ लिख के गई नहीं थी, मेरे को नहीं मालूम था कि मेरे लिए मेरे को इन लोग सम्मान में बुला रहे हैं, मेरे को लगा कोई अवार्ड अवार्ड दे रहे हैं। हार्ड सीट में बैठना करके मेरे को नहीं मालूम था, रात ने बताया कि आपको हार्ड सीट में बैठना, लेकिन आप सभी लोग का आशीर्वाद से 50 लाख जीतना, और 50 लाख जीत के वही सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बीच में मैं उसको दान कर दी कि ये वो महिलाओं को दान करती हूँ, आश्रम बनाऊंगी, उस आश्रम में जैसे मदर टेरेसा है वैसे आश्रम बना के उनका मैं सहयोग करूंगी, और मैं भी बहुत जल्दी अपने घर को छोड़ के आश्रम में चले जाऊंगी, और आश्रम में तो जाऊंगी ही, आज तक मैं एक साड़ी नहीं ली हूँ, एक चश्मा को भी दिए हैं मैं, अपने लिए कभी चप्पल नहीं ली हूँ, मेरे लिए मोबाइल भी मेरे काम करने वाले भैया लोग दिए हैं, 1 रुपया पैसा मैं अपने पास नहीं रखती, बाहर भी जाती हूँ तो बस बिना पैसे से आना जाना, मदद कर देते हैं तो सबका सहयोग करती हूँ, लेकिन पैसे के लिए कभी सामने नहीं आती, ये मेरा सोच है। तो ये सम्मान बहुत बड़ा है, इसको मानती हूँ, और मैं तो कहती हूँ कि छत्तीसगढ़ और हमारे भारत के ऐसे नागरिक मैं, आप लोग जो देश विदेश में जाके हमारे देश के नाम रोशन कर रहे हो, ऐसे काम करो जिसमें आप भी हो उसमें भागीदारी बनो और ये सम्मान का हकदार बनो, यही मेरा शुभकामना है। Listen, Bhaiji shared how that good deeds are worth more than any award that you can win, and that when she won the Padma Shri Award, she did not feel like she was entitled to it. Rather, she did not even believe that she had won the award. And this feeling was it came about by impacting the lives of so many young women in India. And she shares that she was on Kaun Banega Crorepati, a show in India, which many people watch. And on this show, she won 50 lakhs for her, 50 lakh rupees for her organization. And to this day, she believes that all the money and the fame and the awards she wins are not hers, but rather for the people she serves. And she wants to donate this money and create an ashram where she can finally say that, oh, I will be living here. And still she looks forward to buying her first phone, all of these things which come from the people she serves. She's not bought anything herself. So we know that women's rights and women needing financial independence is a problem all over the world, not just Chhattisgarh. And so we wanted to know, do you have any plans to expand your projects outside of Chhattisgarh, whether that's the rest of India or even outside of India? Kulbhushan Bhaiji, Vedika janna chahti hai ki aapka project to zor se chal raha hai, aapne abhi tak Chhattisgarh mein bahut acha kaam kiya hai aur Bharat mein bhi aap kar rahi hai, to aapke matlab aage ke ye matlab aage aap is kaam ko kaise badhana chahti hai, kya kya karna chahti hai, aap kya kalpana hai, kya kya hai? सबसे पहले जो महिलाएं जुड़ी हैं, हम लोग 12 से 15 महिलाएं जुड़े रहती हैं, उनका एपीओ बना रहे हैं, एपीओ बनने से, सोसाइटी बनने से हमको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। अभी केबीसी से आने के बाद में विदेश से भी, जैसे अमेरिका है, दुबई है, कर्नाटक है, हर जगह से, अलग अलग जगह से सभी ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठती हूँ, और उनका भी बहुत सारा मीटिंग में बहुत सारा उन लोग का सपोर्ट मिलता है, बताते हैं। मैं इनको एक मशीनी तरह, जैसे हम लोग गांव-गांव में अपने हाथ से काम करते थे, मशीन के ऑर्गेनिक जो मशीन है, आज हम जो बैठे हैं, ऐसे ही हम खेती भी करें, खेती में जो भी करें, जो मशीन के द्वारा दिन में हमको कम पैसे लागत से जाए, हम ज्यादा ज्यादा जानकारी मिल जाए। दूसरा चीज है कि एपीओ बना बना के, जैसे अभी हम लोग 13 दिन में 50 लाख हम लोग कमाए, डायरेक्ट कंपनी से जुड़ के हम लोग कंपनी में महिलाएं जो सोसाइटी है, एपीओ है, उनके द्वारा बाहर के लोग जैसे आते हैं, नकली सामान बेचते हैं, नकली दवाई बेचते हैं, नकली बीज बेचते हैं, उसको हम लोग बंद करके हम लोग स्वयं एपीओ 200-300 महिलाओं का, 500-700-1000 महिलाओं का संगठन बना है, समूह का, तो उसमें मैं उनका एक दुकान खुलवा दी। मैं इसके लिए तो अभी राजनांदगांव जिले से, एक जिले में शुरू की थी, लेकिन अभी पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 8 लाख महिलाओं का संगठन बनाई हूँ, चल रहा है अभी, और इसको दूसरे राज्य में भी सबको लग रहा है कि नहीं दीदी आप आइए, और क्योंकि सबसे ज्यादा जो पीड़ित है महिलाएं ही पीड़ित है, और सबसे ज्यादा जो पीड़ित है वो नशा से है, बेरोजगारी है, इसके लिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, संगठन में रहेंगे,
एक बूंद से घड़ा नहीं भरता, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है। तो हम एक एक बूंद मिलके एक विशाल रूप धारण करेंगे महिलाओं का, और समाज में जो बुराई है, अत्याचार है एक महिलाओं के साथ, एक बेटियों के साथ, उसके खिलाफ हम सब मिल के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हर जगह, चाहे देश में हो या विदेश में हो, कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जो बेरोजगारी हो, चाहे नशा से हो, या कोई पीड़ित, एक माँ चाहती है कि बहुत कुछ करना, लेकिन वो अपने आप में दबे रहती है। उनको दबी हुई महिलाओं को मैं निकालना चाहती हूँ, क्योंकि वो ताकत है वो माँ जो बड़ा से बड़ा काम कर सकती है। इसलिए राज्य से अलग हटके भी मैं लगातार, मान लो सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, तो इसमें मैं आगे आऊंगी। उसके लिए मेरे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत ऐसे, क्योंकि मेरे पता है कि आज मैं 23 साल से लगातार समाज सेवा कर रही हूँ। 95% इंसान है ना, वो गांव को बिगाड़ते नहीं है, 5% आदमी ही गाँव को बनाते हैं, और 5% आदमी ही गाँव को सुधारेंगे। तो मेरे को ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है, मैं 5 को मैं सुधारती हूँ तो 95 आप ही आप हमारे पीछे पीछे आ जाते हैं। इसलिए मैं पूरे राज्य में जाऊंगी, और जहाँ बुलावा है, जहाँ काम मेरे को मिलता है, मेरे को ये नहीं चाहिए कि मेरे कुछ चाहिए, मैं बताएगी मेरे को वोट नहीं चाहिए ना नोट नहीं चाहिए, बस 2 मुट्ठी चावल चाहिए, वो 2 मुट्ठी चावल और 2 रुपये पैसे से ही मैं एक परिवर्तन करना चाहती हूँ। और इसलिए मेरे पता है कि पढ़ना एक बहुत बड़ी बात है जिंदगी में, पढ़ाई हम सबको करना चाहिए। ये दुख तो मैं हरदम लगता है, अभी मोबाइल हमारा जो बंद हो गया और मेरे को चालू करने नहीं आया, शायद खास मैं पढ़ती लिखती मोबाइल चलाने आ जाता, लैपटॉप चलाने आ जाता, तो इतना समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता, तो ये एहसास मेरे को है। तो मैं पढ़ाई को ही सबसे ज्यादा महत्व देती हूँ, बेटियों का पढ़ाई, और आगे चल के उनको स्वयं के पैर में खड़े होना, आत्मनिर्भर बनना, ये काम करूंगी। और घर में तो रहना नहीं होगा, मैं आश्रम में ही रहते हुए ही पूरे देश के लिए, गांव की जो महिलाएं पीड़ित है वो, उन महिलाओं को इकट्ठा करके उनको वही आर्थिक मजबूत करूंगी। जब मैं आर्थिक मजबूत कर लूंगी तो समाज आप ही आप मजबूत हो जाएगा, ये मेरा सोच है। क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए रोजगार से लेके उनको समाज में जो परिवर्तन करना है, हम सब मिल ही करेंगे, क्योंकि माँ से घर गांव समाज सुधरता है। माँ एक संस्कार देने वाली है, माँ चाहे तो घर गांव समाज पूरा देश बदल सकता है। और हम एक माँ हैं, हमारा सबसे पहला फर्ज होता है कि हम एक एक महिलाएं जुड़ के एक मधुमक्खी के छाता बन के ही हम अपने देश के बारे में सोचे और अपना समाज देश को मजबूत बनाए, यही सोच है। To quickly summarize what Phulbasan Bhaiji said, she's created a nonprofit so far and has the support of almost 8 lakh women in Chhattisgarh. She claims that work still needs to be done, and that by continuing her efforts of getting just 2 rupees of rice and then translating that into many resources and the support of many people is what she will continue to be doing in the future. What advice do you have for teenagers our age, kids in high school who aspire to make a difference? So Aditya जानना चाहता है कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं इन, मतलब ये उम्र के बच्चों को जो कि अभी हाई स्कूल में हैं और अभी मतलब उनकी जिंदगी की शुरुआत होनी है, अभी उन्हें एक्चुअली बाहर चलना है, घर से बाहर निकलना है और जिंदगी देखनी है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहती है ताकि वो भी अच्छा, ऐसा ही अच्छा काम कर पाए? मैं आदित्य को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, सबसे पहले बधाई देती हूँ कि वो विदेश में है। ये मेरा भी सपना था कि मैं कुछ करूँ, पढ़ूँ लिखूँ, लेकिन आप लोग हमारा सपना पूरा कर रहे हो। और आपका फर्ज है, अपना पढ़ाई ही नहीं है, सबसे पहले फर्ज है हमारा देश का, जिस जन्मभूमि में हम जन्म लिए, हमारा पहला फर्ज होता है, अपने माँ बाप का फर्ज बनता है। हमारी माँ हमारे बाप अपना हर उम्मीद को खत्म करके हम लोग को वहां तक भेजे हैं, तो आपका फर्ज ये भी है। और लगन से पढ़ाई करिए, क्योंकि जिंदगी में भिन्न इच्छा शक्ति होना चाहिए और एक लक्ष्य होना चाहिए। हम इधर उधर भागेंगे, हम आजू बाजू के बारे में सोचेंगे तो हम हमारा लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिंदगी में सपना देखना है,
तो सपना देखिए अपने लक्ष्य के प्रति. हम आगे पीछे जाएंगे तो आगे पीछे जाएंगे तो हमको कांटा ही मिलेगा. लक्ष्य में प्रति ध्यान रहेगा तो आप अपना ही नाम रोशन नहीं करोगे, हमारा देश, अपने परिवार, पूरा हमारा पूरा परिवार का नाम रोशन कर सकते हो. पहला मेरा यही है कि आप कितना भी बड़े बन जाओ लेकिन जीरो को कभी ना छोड़ना, क्योंकि जिंदगी में जीरो का महान बहुत है. एक छोटे इंसान, छोटे से छोटे इंसान क्यों ना है, वो हमारे एक बहुत बड़ा काम आ सकता है, इसलिए हम उनको लेके चलें. दूसरा है समय का ध्यान देना. जिंदगी में हम जब समय का ध्यान देंगे तो समय हमारे ऊपर ध्यान देगा. आज हम सोना है, खाना है, पीना है, तो उनको उनके साथ साथ में हमारा पढ़ाई का जो संदेश है, हम किसी के बारे में क्यों सोचे हम दूसरे के बारे में, हम अपने बारे में सोचे. क्योंकि हम अपने बारे में सोचेंगे और समय को ध्यान देंगे तो वास्तव में वो हम अपना लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं. और तीसरा चीज है कि कहीं भी अहंकार ना हो. जिंदगी में आदमी पढ़ा लिखा होने के बाद कहीं भी जाने के बाद में ऐसे लगते हैं कि मेरे से बढ़ के कोई नहीं है. वो नहीं होना चाहिए, हम सबको लेके चलना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में हर एक व्यक्ति हमारे लिए अमूल्य है. आप छोटे से वृक्ष से देखो तो वो भी हमारा संदेश देती है. चींटी से भी हम सीख सकते हैं, समुद्र से सीख सकते हैं, और सबसे ज्यादा हम जानवर पशु पक्षी से सीख सकते हैं. एक गौ है, एक गाय है, वो गाय भी अपने बच्चे का दूध को हमको पिलाती है, अपने बच्चे का पेट मार के. हमारा भी कर्तव्य ये है कि हमारे देश के लिए हम अपने साथ साथ में हमारे देशवासियों के बारे में सोचे, अपने परिवार के बारे में सोचे. ये मेरा संदेश है. और संगठन ही बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है. आप उतने दूर में हो लेकिन अपने आप में कभी अकेला ना समझना, आपके साथ में पूरे परिवार आपके साथ में है. और जहां जाओगे वहां आपके साथ में एक परिवार बनता जाएगा. लेकिन व्यवहार, हम अपना व्यवहार ऐसे रखें, बड़ों का आदर करना, गुरुजनों का आदर करना, माँ बाप का आदर करना, और छोटों को आशीष देना, यही हमारा सबसे बड़ा सम्मान होना चाहिए. तो हम एक दिन अपना लक्ष्य में प्राप्त हो ही जाएंगे. और एक जुनून के साथ करिए. एक जुनून होता है. मैं शौचालय बनाती थी तो मैं सोने में भी मेरे को शौचालय का सीट दिखता था. मैं कोई काम करती हूँ तो मेरे को वही दिखता है कि हम जागते हैं तो काम करते ही हैं, लेकिन हम सोने में भी हमको वही नजर आना चाहिए. नींद, मानो नींद भी लग जाए, सपना में भी हमको वो चीज दिखना चाहिए, वही जुनून होता है. इसलिए जुनून के साथ में आप आगे बढ़िए. और मेरा तो आप सबके साथ में मेरा शुभ आशीष है. मैं यही चाहूंगी कि मेरे देश, मेरे सभी बच्चों लोग को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, और हमारा देश का नाम और रोशन हो, हम खूब एक साथ आगे बढ़ें, और हमारे समाज में जो भी कमी है उसको हम सब मिलकर पूरा कर सकते हैं. और आज ये कार्यक्रम में भी सभी गुरुजनों को भी यही कहना चाहूंगी, क्योंकि गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारो गुरु आपके गोविंद दियो बताए. गुरु के सामने में हम लोग कुछ नहीं है. और आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मेरे जैसे जो एक मिट्टी थी, कचड़ा थी, कभी मेरे को कुछ नहीं आया, गरीबी में पड़ी थी, लेकिन आज आप लोग ने यहाँ तक मेरे बुला के मान सम्मान दिए हो, और मेरा बात को, मेरे काम को सुने, मेरे को वो बहुत बड़ा सम्मान है. मैं बहुत धन्य हो गई. गर्व के साथ मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ. We should all dream big, and that we should all be passionate about whatever we do in life, and that no matter what obstacles we face, to remember that we're not alone, that we have our families, that we have our families back in India, and that the families in India have sacrificed so much for us to take us to this country, to receive the education that they couldn't get, and have opportunities that they could have never even dreamed of. And with this opportunity, we should make sure that we inspire the next generation, just like Gulbasan Baiji is doing right now, and we continue to make India's name proud. धन्यवाद कुलभूषण भाई जी. आप मतलब इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी आपने हमारे साथ मतलब ये इंटरव्यू किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद. और आपको बच्चों, आपके बच्चों को भी धन्यवाद, ताकि उन्होंने ये सब सेटअप कर दिया हमारे लिए. तो बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं ये चाहूंगा कि ये बच्चे जब भी भारत आए तो आपसे आके जरूर, मतलब एक बार छत्तीसगढ़ जरूर आए, आप जो काम करिए वो देखे और आपके साथ जुड़े भी.